नंबर 5 फैक्टर एंड मल्टीपल की एक्सरसाइज 1 स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 9 मल्टीपल फैक्टर किस तरह से हम निकालते हैं, प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, ये सब बताया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ही। राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 9। मल्टीपल ऑफ 9 मतलब 9 का टेबल कितनी बार, 4 टाइम्स तक, तो क्या लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 9 = 9, 9 = 1 = 18, 9 = 27, 9 = 36। ओके, तो कौन से हो गए इसके 4 मल्टीपल, 9, 18, 27 और 36, 9 का टेबल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के भी पर। राइट ऑल मल्टीपल ऑफ 11 लेस देन 100। अब इसमें 11 का टेबल लिखना है। 11 1 = 11, 11 2 = 22, 11 3 = 33, 11 4 = 44, 11 5 = 55, 11 6 = 66, 11 7 = 77, 11 8 = 87, 11 9 = 90, 9। अब देखो 11 10 जा नहीं लिखेंगे 110, बिकॉज इसने बोला है 100 से कम होने चाहिए। तो ये सब क्या हो गए 11 के मल्टीपल, क्या हो गए 11 के मल्टीपल। सॉल्यूशन ओके। अब इसके थर्ड पे आते हैं। राइट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 30 एंड 60। अब 4 का टेबल लिखना है लेकिन 30 के बाद, जैसे 4 1 = 4 नहीं लिखना, 4 2 = 8 नहीं लिखना, 4 3 = 12 नहीं लिखना है, 4 4 = 16 नहीं लिखना है क्योंकि 30 के बाद आप नहीं लिखना है, 4 5 = 20 नहीं लिखना है, 4 6 = 24 नहीं लिखना है, 4 7 = 28 यहाँ से लिखना है। तो 4 7 = 28, 4 8 = 32, 4 9 = 36, 4 10 = 40, 4 11 = 44, 4 12 = 48, 4 13 = 52, 4 14 = 56, 4 15 = 60। बस 28 से स्टार्ट करना और 60 तक ही आना है। क्यों? क्योंकि इसने बोला 30 और 60 के बीच में लिखने हैं। ओके, अब आते हैं लिस्ट फॉर फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। पहले हम 10 मल्टीपल लिखेंगे किसके, 3 के। 10 मल्टीपल ऑफ 3, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 4 = 12, 3 5 = 15, 3 6 = 18, 3 7 = 21, 3 8 = 24, 3 9 = 27, 3 10 = 30। अब 10 मल्टीपल ऑफ किसके लिखेंगे, 4 के। 4 1 = 4, 4 2 = 8, 4 3 = 12, 4 4 = 16, 4 5 = 20, 4 6 = 34, 4 8 = 32, 4 9 = 36, 4 10 = 40। ओके, अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है चेक वेदर 12 इज ए फैक्टर ऑफ 108। अगर हम चो इफ 12 इज ए फैक्टर ऑफ 108 देन 108 डिवाइडेड बाय 2 रिमाइंडर विल बी 0। रिमाइंडर विल बी क्या होना चाहिए, 0। तो 108 को 12 से डिवाइड करो, 12 9 = 108, रिमाइंडर क्या है, 0। सो यस 12 इज ए फैक्टर ऑफ 108। ओके, बी है 234 इज ए मल्टीपल ऑफ 80। अगर ये 18 का मल्टीपल होगा तो इफ़ यू डिवाइड 234 बाय 18
हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0, रिमाइंडर मस्ट बी 0 होना चाहिए। अगर हम इसको डिवाइड करते तो 18 वन जाए 18, 13 में से 8 गया 5, 1 में से 1 गया 0 एंड 18 थ्री जा 54, रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0, सो यस इट इज मल्टीपल ऑफ 18। ओके, इस तरह से 847 इज ए मल्टीपल ऑफ 7, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 वन जा 7, ऊपर से आया 4, 7 टू जा 14, ऊपर से आया 7, 7 वन जा 7, रिमाइंडर कितना आया 0, रिमाइंडर इज 0, सो यस 847 इज ए मल्टीपल ऑफ 7। इसी तरह से 15 इज ए फैक्टर ऑफ 315, तो 315 को डिवाइड करेंगे 15 से, 15 टू जा 30, बचा 1, 15 वन जा 50, रिमाइंडर 0, 0, सो इट इज, सो 15 इज फैक्टर ऑफ 315। क्वेश्चन नंबर 1, 2, शॉर्ट।